हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विनिंग जर्नी। हमारा नायग्रा ट्रिप का सेकेंड डे में पूरे नायग्रा फॉल स्टेट पार्क को हमने एक्सप्लोर किया ट्रॉली राइड के जरिए। और हमारा ट्रॉली राइड कैसा था आज के वीडियो में मैं वो एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। ये नायग्रा फॉल स्टेट पार्क काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे बस स्टॉप जैसे बना हुआ है। यहाँ पे आके ट्रॉली रुकते हैं और यहाँ से बोर्डिंग भी होता है और जो लोगों को उतरना है वे उतर भी जाते हैं। हमने टिकट खरीद ली और हम सभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं ट्रॉली के लिए। थोड़ी देर में ट्रॉली आ जाएंगे। और ये है टिकट का डिटेल्स। और यहाँ पे $3 पर पर्सन फॉर एडल्ट एंड $2 पर पर्सन फॉर चिल्ड्रेन। और ये है हमारा टिकट, रिस्ट बैंडी टिकट है। और इस टिकट का खासियत यही है कि दिन में अगर आप एक बार टिकट खरीद लिया तो ये सारा दिन काम करेगा। मतलब दिन में चाहो जितने बार आप ट्रॉली पे राइड कर सकते हो। और ये हमारा ट्रॉली आ गया। और ये ट्रॉली समर में तो सुबह 9 बजे से रात 9:30 बजे तक अवेलेबल रहता है, लेकिन विंटर में इसका टाइम थोड़ा कम जाता है। तब शाम को 5 से 5:30 बजे तक ही ओनली ट्रॉली अवेलेबल रहता है। तो हम अब अच्छी से जगह देखकर बैठेंगे और इसके बाद ट्रॉली में पूरे स्टेट पर घूमेंगे। कल हम लोग पैदल बहुत सारे जगह को एक्सप्लोर किया, 3 फॉल्स ही हमने पैदल ही देखा। तो आज ज़्यादा उतरूंगी नहीं, तो ट्रॉली से ही पूरा पार्क का नज़ारा देखूंगी और थोड़े दूर एक पॉइंट पे उतरकर वहां से काच पास से एक्सप्लोर करेंगे सब कुछ। तो आप लोग भी मेरे साथ चलते रहिए। और ये सुंदर सी बहुत ही मतलब मेसमराइजिंग सा इस ट्रॉली राइड का एक्सपीरियंस के आप भी हिस्सा बन जाइए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। चलते चलते बहुत सारे गीस, स्क्वायरल, रैबिट्स और सीबर्ड्स से भी मुलाकात हो रहा है। और ये स्टेट पार्क ना काफ़ी बड़ा है और शायद न्यूयॉर्क में ये सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट पार्क है। और यहाँ पे जो चारों ओर ग्रीन सीनरी है ये देखने को बहुत अच्छा लग रहा है। और इस राइड का नाम भी है सीनिक ब्यूटी ट्रॉली राइड, तो नज़ारा सुंदर तो होना ही है। मेरा ज़्यादा वॉइस ओवर देने की आज ज़रूरत नहीं है। और मेरा लास्ट वीडियो में भी मैं बोल चुकी कि ये मेरा पहला मेरा शुरुआत है हिंदी में वॉइस ओवर डालने की। तो थोड़े बहुत दिक्कत तो होगी सबको, मेरा हिंदी उतना फ्लुएंट नहीं है। और जिन लोगों को बंगाली में मेरा वीडियोज़ देखना है वो लोग मेरा फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकती हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फेसबुक पेज का भी डिस्क्रिप्शन डाल दूँगी, लिंक डाल दूँगी। तो जिन्हें बंगाली में देखना है वो वहीं से देख सकते हैं। अगर आपके साथ कोई एल्डरली पर्सन हो जिन्हें चलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, या फिर बच्चे हो, तो बच्चे तो ज़्यादा चल नहीं सकते हैं, तो ये ट्रॉली राइड आपके लिए एकदम आइडियल है। ये ट्रॉली राइड में ही आप पूरे पार्क का नज़ारा बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकती हो। और ये पार्क काफ़ी बड़ा है तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा ट्रॉली में जाते हुए ये सीनिक ब्यूटी देखते हुए। और बच्चे तो बहुत इंजॉय करते हैं ट्रॉली राइड। हमें 2-3 जगह पर उतरना है, लेकिन मेरे बच्चे तो उतरने के लिए रेडी नहीं है। फिर भी हम 2-3 जगह पे उतर के थोड़ा बहुत वीडियो और क्या फ़ोटोज़ क्लिक करके फिर से ट्रॉली में राइड करेंगे। हम लोग ट्रॉली से यहाँ पे उतरे
और यहाँ से हम हॉर्सशू फॉल, लूना आइलैंड और गोट आइलैंड ये सब कुछ पैदल ही घूमेंगे। और आज का वेदर ना बहुत अच्छा है, थोड़ा थोड़ा ठंडा है लेकिन सनी ब्राइट डे है इसलिए ठंडा उतना लग नहीं रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है आज घूमने में। कल भी हम इस सारे पॉइंट पर आए थे लेकिन कल थोड़ा सा ठंडा था इसलिए ज़्यादा वक्त तक रुक नहीं सका यहाँ पर, लेकिन आज तो मैं इस पॉइंट तो मुझे इस व्यू तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मैं काफ़ी देर बैठने वाली हूँ तो यहाँ थोड़ी देर बैठ के यहाँ का व्यू इंजॉय करके फिर से वी विल गेट ऑन द नेक्स्ट ट्रॉली। यहाँ से रेनबो ब्रिज का भी व्यू आ रहा है और उस तरफ जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग है ना वो है कनाडा साइड। आप लोग जो इतने टाइम से मेरा वीडियो को वॉच कर रही है इसलिए आप लोगों को बहुत थैंक यू, और जो लोग मेरे चैनल का नए व्यूअर्स है उन लोगों को रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट कीजिए, और मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।